जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओमस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट इति ऋग्बन्धन। अर्थात इस पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद गायत्री है, देवता पंचमुख विराट हनुमान जी हैं, ह्रीं बीज मंत्र है, श्रीं शक्ति है, क्रौं कीलक है, क्रूं कवच है और क्रैं अस्त्राय फट दिग्बंधन है। श्री गरुण उवाच। अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरम यत्कृतं देव देवेन ध्यानम हनुमतः प्रियम। अर्थात गरुण जी ने उद्घोष किया, हे सर्वांग सुंदर देवादिदेव के द्वारा मुने प्रिय रहने वाला जो हनुमान जी का ध्यान लगाया, मैं उनके नाम का सुमिरन करता हूँ। मैं उन माँ का ध्यान करता हूँ जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है। पंचवक्त्रम महाभीमम त्रिपंच नयनैर्युतम बाहुर्भिर्दशभियुक्तम सर्व कामार्थ सिद्धिदम। अर्थात श्री हनुमान जी के पांच मुख वाले अत्यंत विशाल काय 15 नेत्रधारी हैं। श्री हनुमान जी 10 हाथों वाले हैं। वे सकल काम एवं अर्थ इन पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले देव हैं। भाव ये है कि हनुमान जी पांच मुख वाले 15 नेत्रधारी और 10 हाथ वाले हैं, जो सभी कामों को सिद्ध करते हैं। पूर्वम तु वानरम वक्त्रम कोटि सूर्य समप्रभम दृष्टा कराल वदनम भ्रकुटी कुटिलेक्षणम। अर्थात श्री हनुमान जी का मुख सदा ही पूर्व दिशा की ओर रहता है, पूर्व मुखी है। श्री हनुमान जी जो वानर मुखी है, उनका तेज करोड़ों सूर्य के तुल्य है। श्री हनुमान जी के मुख पर विशाल दाढ़ी है और इनकी भ्रकुटी टेढ़ी है, ऐसे दांत वाले श्री हनुमान जी है। अस्यैव दक्षिणम वक्त्रम नारसिंहम महाद्भुतम अत्युग्र तेज वपुष भीषणम भयनाशनम। अर्थात श्री हनुमान जी का वदन दक्षिण दिशा में देखने वाला है और इनका मुख सिंह मुख है, जो अत्यंत ही दिव्य और अद्भुत है। श्री हनुमान जी का मुख भय को समाप्त करने वाला है। श्री हनुमान जी का मुख शत्रुओं के लिए भय पैदा करने वाला है। पश्चिमम गारुणम वक्त्रम वक्रतुंडम महाबलम सर्वनाग प्रशमनम विषभूतांतिक्रंतनम। अर्थात श्री हनुमान जी का जो मुख पश्चिम दिशा में देखने वाला है, वह गरुत मुख है और वह मुख अत्यंत ही बलवान और सामर्थ्यशाली है। विष और भूत को यानी समस्त बाधाओं को दूर करने वाला है, गरुणानन है, सांपों और भूतों को दूर करने वाला है। उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्णम दीप्तम नाभोपमम पाताल सिंह वेताल ज्वर रोगादि कृंतनम। श्री हनुमान जी का उत्तर दिशा में देखने वाला मुख वराह मुख है। वराह मुख श्री हनुमान जी कृष्ण वर्ण के हैं और उनकी तुलना आकाश से की जा सकती है। श्री हनुमान जी पातालवासियों के प्रमुख बेताल और भूगोल के कष्ट हरने वाले हैं, बीमारियों और ज्वर को समूल नष्ट करने वाले ऐसे वाराह मुख हनुमान जी हैं। ऊर्ध्वम हयाननम घोरम दानवांत करम परम येन वक्त्रेण विप्रेन्द तारकाख्यम महासुरम जघान शरणम तत्स्यात् सर्व शत्रु हरम परम ध्यात्वा पंचमुखम रुद्रम हनुमंतम दयानिधिम। अर्थात ऊर्ध्व दिशा मुखी हनुमान जी हैं, जो दानवों का नाश करने वाले हैं। हे हनुमान जी, आप गायत्री के उपासक हैं और आप असुरों का नाश करने वाले हैं। हम ऐसे पंचमुखी हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। श्री हनुमान जी रुद्र और दयानिधि हैं, इनकी शरण में हमें रहना चाहिए। श्री हनुमान जी भक्तों के लिए दयालु
और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। खड्गम त्रिशूलम खटवांगम पाशम अंकुश पर्वतम मुष्टिम कौमोद किम वृक्षम धारयंतम कमंडुलम भिंदीपालम ज्ञानमुद्रा दशभिर मुनि पुंगवम एतान्यायुत जालानी धारयंतम भजाम्यहम। अर्थात श्री पंचमुख हनुमान जी हाथों में तलवार त्रिशूल और खटधारी हैं। श्री हनुमान जी के हाथों में तलवार त्रिशूल खटवांग नाम का आयुध पाश अंकुश पर्वत है और मुष्टि नाम का आयुध कौमोद गदा वृक्ष और कमंडलु पंचमुख हनुमान जी ने धारण कर रखे हैं। श्री हनुमान जी ने भिंदीपाल अर्थात लोहे धातु से बना अस्त्र धारण कर रखा है। श्री हनुमान जी का दसवां शस्त्र ज्ञान मुद्रा है। प्रेतासनोपविष्टम तम सर्वाभरण भूषितम दिव्य माल्यांबर धरम दिव्य गंधानुलेपनम। अर्थात श्री हनुमान जी प्रेतासन पर बैठे हैं और उन्होंने समस्त आभूषण धारण कर रखे हैं। श्री हनुमान जी ने दिव्य मालाएं ग्रहण कर रखी हैं जो आकाश के समान है और यह दिव्य गंध का लेप समस्त बाधाओं को दूर करने वाला है। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद् द्विषितो मुखं पञ्चास्यमच्युतमनेक विचित्र वर्णवक्त्रं शशांक शिखरं कपिराजवर्यं पीतांबरादि मुकुटै रूप शोभिताङ्गं पिंगाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। श्री हनुमान जी समस्त आश्चर्यों से भरे हुए हैं। ऐसे ये पंचमुखी हनुमान जी हैं और ये पांच मुख रहने वाले अच्युत और अनेक अद्भुत वर्ण युक्त मुख रहने वाले हैं। श्री हनुमान जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर रखा है और सभी कपियों में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले ऐसे हैं हनुमान जी। श्री हनुमान जी ने पीताम्बर मुकुट आदि से सुशोभित हैं। श्री हनुमान जी पिंगाक्ष आद्यम और अनिशम हैं। ऐसे इन पंचमुखी हनुमान जी को हम मनःपूर्वक स्मरण करते हैं। मर्कटेशम महोत्साहम सर्वशत्रुहरं परम शत्रुं संहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम्। अर्थात श्री हनुमान जी वानरों में श्रेष्ठ हैं, प्रचंड हैं, बहुत उत्साही भी हैं। श्री हनुमान जी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और हे हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। हे वानर श्रेष्ठ प्रचंड उत्साही हनुमान जी सारे शत्रुओं का निपात करिए। हे श्रीमन पंचमुख हनुमान जी मेरे शत्रुओं का संहार कीजिए, संकट में से मेरा उद्धार कीजिए। श्री हरि मरकट मरकट मंत्र मिदम परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम यदि मुंचति मुंचति वामलता ओम हरि मरकटाय स्वाहा। अर्थात महाप्राण हनुमान जी के बाएं पैर के तलवे के नीचे ओम हरि मरकटाय स्वाहा लिखने से उसके केवल शत्रु का ही नहीं बल्कि शत्रुकुल का नाश हो जाएगा। श्री हनुमान जी वामलता को यानी कि दुरिता को तिमिर प्रवृत्ति को हनुमान जी समूल नष्ट कर देते हैं और ऐसे एक वदन को स्वाहा कहकर नमस्कार किया है। ओम नमो भगवते पंच वदनाय पूर्व कपि मुखाय सकल शत्रु संहाराय स्वाहा। अर्थात सकल शत्रुओं का संहार करने वाले पूर्व मुख को कपि मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमन है। ओम नमो भगवते पंच वदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। अर्थात दुष्प्रवृत्तियों को प्रति भयानक मुख रखने वाले सारे भूतों का उच्छेद करने वाले दक्षिण मुख को नरसिंह मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम नमो भगवते पंच वदनाय पश्चिम मुखाय गरुणाननाय सकल विषहराय स्वाहा। अर्थात हर प्रकार के विष को हरण करने वाले पंचमुखी को गरुण मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम नमो भगवते पंच वदनाय उत्तर मुखाय आदि वराहाय सकल संपत कराय स्वाहा। अर्थात सकल संपदाएं प्रदान करने वाले उत्तर मुख को आदि वराह मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम नमो भगवते पंच वदनाय ऊर्ध मुखाय है ग्रीवाय सकल जन वश कराय स्वाहा। अर्थात
सकल जनों को वश में करने वाले ऊर्ध्वमुख को अश्वमुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम श्री पंचमुख हनुमंताय आंजनेयाय नमो नमः, अर्थात अंजनी पुत्र श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा पुनः पुनः नमस्कार है। तो भक्तों, श्री हनुमान जी के इस पंचमुखी स्वरूप के कवच का नियमित पाठ करने से, श्रवण करने से जीवन के हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। नमो नारायण।